छत्तीसगढ़ के ग्राम खैरा के नर्मदा मंदिर पुरातन काल से माघ पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं द्वारा नर्मदा कुंड में स्नान कर माता रानी के दर्शन किए जाते हैं। मंदिर पुजारी काशी प्रसाद दुबे ने बताया कि नर्मदा कुंड में माघ पूर्णिमा पर स्नान करने से शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं, शरीर निरोगी होता है। साथ ही इस दिन स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष भी माघ पूर्णिमा मेले के अवसर पर देश भर के हजारों लोगों को जनसैलाब नजर आया। रायपुर से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। ये मंदिर जो है पुरातन है, अब पुरातन में 11वीं शताब्दी कनंगवंशी राजा के जमाना के लिए इसमें चिन्ह है, दिखे जाते हैं तो नंगवंशी राजा का चिन्ह है मंदिर में। अब आज मेला यहाँ 3 रोज का रहता है, भव्य मेला होता है, नर्मदा कुंड में पानी आप निकलता है। और ये माता जी कैसे ही कहाँ से ही इसका जो माँ नर्मदा जो है हमारे कंटक से माँ नर्मदा आए हैं तो खड़ा घर जाती थी। अब क्यों जाती थे कि वो खड़ बाबा जी खड़ा घर के प्रतिदिन स्नान करने हमारे कंटक जाते थे, स्नान करते अपने उम्र बिता दिया। तो माता जी ने एक दिन स्पष्ट होकर बोले, हे बेटा बहुत कष्ट कर रहे हो, अब इतना कष्ट करना नहीं पड़ेगा, मैं खड़ा घर आ रहा हूँ, चलो तुम आज से मैं खड़ा घर में, ये उसको बोल दिया। वहाँ से जब पूजा पाठ करके उखड़ बाबा जी निकले तो माता जी आइए मैं आपसे खड़ा घर में देख रहा हूँ, चलो बेटा मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ से निकले उखड़ बाबा जी तो पायल की छमछम आवाज़ आए, तो उखड़ बाबा जी सोचे माता जी आ रही है, अपने भजन किचन से उखड़ बाबा जी खड़ा घर पहुँच गए। माता जी किस कारण विशेष है खड़ा हो गए होगा ऐसे उखड़ बाबा जी सोच लिए। तो उसी समय एक गैया चराने वाले पहाटिया वो गैया चराते थे, तो गैया का नाम रखा था नर्मदा। तो वो गैया जो वर्दी से हट गया, हटने के बाद समझे उसको गैया को चिल्लाए, हे नर्मदा तू लौट कहाँ जा रहे हो। तो उसी समय माता जी के आगमन था, तो खड़ा हो गया, कहे बेटा तुम क्यों चिल्लाए, मैं तुमको नहीं चिल्लाऊँ जाई, मैं वो गैया को चिल्लाऊँ। अच्छा वो गैया को चिल्ला, वो गैया का नाम रखा था नर्मदा, हाँ गाय उनको ऐसे बोल दिया उखड़ बाबा। तो उखड़ बाबा जी वहाँ बैठे बैठे देख रहा है माता जी आ रहा है। अब माता जी सोचे यहाँ पर खड़ा होकर बैठ गया और बैठ के गंगा मंदिर प्रकट कर, और प्रकट हुआ तो रजवाड़ा में सपना आ गए, जमींदार गंडे वाले रजवाड़ा में बहुत सपना आ गया। तो सपना में अभी चौकीदार को सब भेजे कि जा रहे हो, वहाँ एक बुढ़ी बैठे हैं है? वो व्यवस्था मांग रहा है, अब क्या व्यवस्था देना है पूछ लो, जाओ ऐसे देखे चपरासी को भेज दिया। और भेजने के बाद देखे पुलिस वाले सब तो यहाँ कुछ नहीं, या यहाँ फेंका रहा है पानी, माता जी खड़ा है, उसको राजेश जी को जाकर बता दिया ऐसा सी बात है, तो जाओ व्यवस्था करो। तो उसमें वही व्यवस्था करवाया राजा साहब, जमीन जमीन नंगवंशी राजा था। तो उसी समय से ये माता जी यहाँ पर बैठा है। अब उखड़ बाबा जी दिन भर 24 घंटा बीत गया, माता जी नहीं आए, मेरे को अच्छा धोखा दिया, तो चलो फिर भी अपने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। फिर वहाँ से निकले उखड़ बाबा जी खड़ा घर से तो अमरकंटक जाने के लिए, स्नान करते करते करने के लिए तो उस समय माता जी बोले, हे उखड़ बाबा जी तू लौट जाओ, यहाँ मैं बैठा हूँ, कौन है इतना चिल्लाने वाला, इतना कौन है इतना आदमी चिल्ला रहा है ऐसे। खड़ा होकर कहे बेटा इधर आओ, उखड़ बाबा जी इधर आओ, मैं यहीं बैठा हूँ अमरकंटक वाले माता, आज से स्नान करके यहीं से जाना बेटा। वाह माता जी मैं खड़ा घर में देख रहा हूँ और तुम यहाँ आकर बैठा हूँ, नहीं बेटा मैं आप खड़ा घर क्षेत्र में आकर बैठा हूँ। आपका नाम काशी प्रसाद मंदिर पंडित।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।